हाँ तो नमस्ते और नी हाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है यासिन खान और मैं रहता हूँ ताइवान में। स्वागत है आप सभी लोगों का नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैन क्लोथिंग्स एंड एसेसरीज नेम इन मैंड्रिन चाइनीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पर मैं आपको आदमी और औरत के जो भी कपड़े है और जो भी जो बेसिक जो एसेसरीज है जैसे कि घड़ी हो गई, वॉच हो गया, टी शर्ट, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मेरे पिक्चर यहाँ पर दिए हुए है, वो सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जब शॉपिंग करो या आप चाइना में हो, ताइवान में हो, हांगकांग में हो, मकाओ में हो, तो जब आप शॉपिंग करोगे तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर आप जो मेरी प्लेलिस्ट है आप उसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने सारी जानकारी सारे पार्ट्स के मैंने अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को आप चूज करके आप वहां पर जाके आप चाइनीज सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट वन, मैन क्लोथिंग एंड एसेसरीज नेम इन मैंड्रिन चाइनीज, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो एसेसरीज या तो फिर क्लोथिंग आता है वो है यहाँ पर देखिए क्लोथ्स, जाहिर सी बात है क्लोथ्स, कपड़े को सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे चाइनीज के अंदर, ठीक है। तो मैंड्रिन चाइनीज में सबसे पहला हम लोग कपड़े को कहेंगे, यहां पर देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर हिंदी में लिखा हुआ है, फिर जो चाइनीज का जो पिनयिन है वो मैंने लिखा हुआ है, और जो पिनयिन को जो हिंदी में लिखते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने के लिए, और यहाँ पे जो चाइनीज जो ट्रेडिशनल भाषा है वो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहला क्लोथ्स हिंदी में हम उसको कपड़े बोलेंगे और चाइनीज में हम उसको बोलेंगे ईफू। क्या बोलेंगे देखिए बहुत ईजी है, ईफू यानी क्लोथ्स, ठीक है। ईफू यानी क्लोथ्स यानी कपड़े, ठीक है। ये हो गया हमारा ईफू यानी क्लोथ्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देखिए शर्ट, सबसे पहला आता है शर्ट, ठीक है। जो हम लोग यहां पर जो मेंस के जो कपड़े है, मेंस की जो एक्सेसरीज है वो हम लोग इस पार्ट में लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहां पर शर्ट, शर्ट को हिंदी में हम लोग बोल देंगे कमीज और उसको चाइनीज में बोलेंगे यहां पर देखिए छन सान, और सान यानी तीन बोलते थे ना छन सान, ठीक है। बस उसको कुछ कॉम्बिनेशन कर लेना आप, ठीक है। छन सान यानी शर्ट, ठीक है। छन सान यानी शर्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शर्ट यानी कमीज, छन सान, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला है हमारे पास आता है टी शर्ट, टी शर्ट जो हम लोग टी शर्ट पहनते हैं। यहां पर देखिए आप लोग फोटो पिक्चर देख सकते हैं, मैं अपने हर पीपीटी में मैं पिक्चर लगा देता हूं ताकि जो व्यूअर्स है जो स्टूडेंट्स है उनके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। टी शर्ट को देखिए बहुत ही इजी बोलते हैं चाइनीज में, टी शर्ट को हम लोग हिंदी में टी शर्ट ही बोलते हैं और चाइनीज में इसको बोलते हैं टीशू, टीशू। देखिए जो टिश्यू पेपर आता है ना, बस वो ले लीजिए, पेपर हटा दीजिए, टिशू, टीशू यानी टी शर्ट, ठीक है। मोस्टली लोग यहाँ पर टी शर्ट ही बोलते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन टीशू जो ट्रेडिशनल चाइनीज में टीशू बोला जाता है, ठीक है, टीशू यानी टी शर्ट, ठीक है, टीशू यानी टी शर्ट, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए टीशू यानी टी शर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आ गया सूट, सूट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। सूट को हम लोग हिंदी में सूट ही बोल देंगे और उसको हम लोग चाइनीज में यहां पर बोलेंगे, देखिए यहां पर हिंदी में यहां पर लिखा हुआ शी जुआंग। देखिए दोस्तों ये बहुत ईजी है, शी जुआंग यानी सूट, जो हम लोग जो सूट पहनते हैं ना टाई वाई लगा के मस्त, शी जुआंग यानी सूट। देखिए यहां पर पिनयिन यहां पर देखिए शी जुआंग, शी जुआंग यानी सूट, ठीक है, शी जुआंग यानी सूट। दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए यहां पर एक्स का मैंने शी लिख दिया है, कभी श भी मैं लिखता हूं, ठीक है। देखिए ये एक्स को कभी मैं श भी लिखता हूं, कभी शी भी लिखता हूं। देखिए दोस्तों ये डिपेंड्स होता है, कि उसको कैसे बोला जाता है, क्योंकि चाइनीज में चार टोन होती है आपको पता है ना, उसके हिसाब से मैं डिफाइन करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप मेरे को कॉट अनकॉट मत कर लेना कि सर आपने शी बोल दिया कि श होना चाहिए शी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो ये वर्ड्स है उसके मुताबिक है मैं वो लिखता हूँ, ठीक है, शी जुआंग यानी सूट, ठीक है, शी जुआंग यानी सूट। ऑलराइट, अगला आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है जैकेट। देखिए जैकेट को बोलना बहुत ही ईजी है, जैसे टी शर्ट को टीशू बोलते ना टीशू, जैकेट को देखिए जैकेट को हम लोग हिंदी में भी जैकेट ही बोलते हैं साहब, ठीक है, जैकेट बोल दिया। और देखिए चाइनीज में ये बिल्कुल इजी है, ज्याख है ना, देखिए यहाँ पर ज्याख, ज्याख यानी जैकेट, ठीक है, ज्याख यानी जैकेट, जैकेट ज्याख, जैकेट ज्याख, जैकेट ज्याख, ठीक है, ज्याख यानी जैकेट। देखिए दोस्तों
क्लोदिंग मैन एंड वुमेन्स की इतनी भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोदिंग है आप वो बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से आप सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा जैकेट, ठीक है। तो हाँ, तो दोस्तों आज का ये वीडियो था, ये शॉर्ट वीडियो ही था, क्योंकि मैं क्योंकि इस वीडियो के जो तीन पार्ट आने वाले हैं, मैन क्लोदिंग एंड एसेसरीज के तीन पार्ट आएंगे, विमेन क्लोदिंग एंड एसेसरीज के तीन पार्ट आएंगे, ठीक है। तो टोटल 6 पार्ट में ये वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको 5-5 क्यों दिए, 5-5 वर्ड्स क्यों दिए, क्योंकि आपको सीखने में आसानी हो जाए जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है ये सारी चीजें बनाने के अंदर। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को, मेरे चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस है उसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों जो भी आपके दोस्त है जो चाइना, हांगकांग, मकाओ जाना चाहते हैं, जो इंडिया में जो चाइनीज कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ओप्पो हो गया, वीवो हो गया और बहुत सारी और कंपनीज है, उनके साथ आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज बढ़ सकता है चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप लोग आ सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग आकर मेरे को आपका जो भी जेन्युइन क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो लैंग्वेज है चाइनीज मैंड्रीन, वो ताइवान में बोली जाती है, हांगकांग में बोली जाती है, मकाओ में बोली जाती है, चाइना में बोली जाती है, मलेशिया और सिंगापुर में भी बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये पार्ट वन है वो खत्म करते हैं, मिलेंगे पार्ट टू के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय और जय जैन।